एक तरफ जहां हिजबुल्ला और इसराइल के बीच युद्ध का खतरा मंडरा रहा है, वहीं दूसरी तरफ हिजबुल्ला उत्तरी इसराइल पर पूरी ताकत से ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। हिजबुल्ला की रणनीति है कि इजरायली सेना पर मानसिक दबाव बनाया जाए, जिससे दोनों के बीच में चल रहा ये संघर्ष पूर्ण युद्ध में तब्दील न हो सके। और यही वजह है कि इजरायल और लेबनान बॉर्डर हर एक मिनट और हर एक सेकंड जल रहा है, जिसमें हिजबुल्ला के ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलें इस पूरे इलाके को जला रहे हैं। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने एक बार फिर से उत्तरी इजरायल को दहला कर रख दिया है। दरअसल हिजबुल्ला ने उत्तरी इसराइल पर सिलसिलेवार तरीके से कई हमले किए। सबसे पहले उसने इसराइल के येरोन सेटलमेंट पर सीधा हमला किया है। उसके बाद उसने बिरानेट बैरिक्स में आईडीएफ की 91 डिवीजन के हेडक्वार्टर पर बमबारी की है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इस हमले में हैवी बुरकन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्ला के मुताबिक उसके ये रॉकेट सीधे आईडीएफ के हेडक्वार्टर पर जा लगे हैं, जिससे आईडीएफ को भारी नुकसान हुआ है। और इस हमले के बाद शाम करीब 4:40 पर बेथ हिल्लेल बैरिक्स में साहेल बटालियन के हेडक्वार्टर्स पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। इस हमले में हिजबुल्ला ने आईडीएफ पर फलक रॉकेट्स की झड़ी लगा दी, जिससे साहेल बटालियन का हेडक्वार्टर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। और इस हमले के तुरंत बाद मेतुला सेटलमेंट में भी एक बिल्डिंग पर सीधा हमला हुआ, जिसमें आईडीएफ ने पोजीशन ले रखी थी। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इसराइल के कब्जे वाले सीरियन गोलन हाइट्स में भी आईडीएफ की 188वीं आर्म ब्रिगेड के हेडक्वार्टर रिवाया बेस पर एक आत्मघाती ड्रोन का जत्था फायर किया है। और इस हमले में कमांड बिल्डिंग को निशाना बनाया गया, जहां पर इजरायली सैनिक इकट्ठा हो रहे थे। हिजबुल्ला का कहना है कि यह हमला भी सीधे आईडीएफ पर हुआ है, जिसमें उसे भारी नुकसान हुआ है। और इसके अलावा बेथ हिल्लेल बैरिक्स में एक मिलिट्री वर्कशॉप पर भी हिजबुल्ला ने सीधा हमला किया है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने कब्जे वाले लेबनानी शीबा फॉर्म्स में रुइसत अलकान साइट और अल समाका साइट पर दनादन बमबारी की है। हिजबुल्ला ने यहां पर रॉकेट और कई गोले दागे हैं। और इसी कड़ी में हिजबुल्ला के मिलिट्री मीडिया ने एक वीडियो भी रिलीज किया है, जिसमें हिजबुल्ला के लड़ाके आईडीएफ के एक मरकावा टैंक और नेमारा आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल को निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इस वाहन पर गाइडेड मिसाइल से हमला किया है। वहीं हिजबुल्ला के इन हमलों को लेकर अब इजरायली सेना ने भी अपना बयान जारी किया है। आईडीएफ का कहना है कि 30 जून 2024 को हुए उत्तरी इसराइल पर एक हमले में 18 जवान जख्मी हुए हैं। इनमें से एक जवान गंभीर रूप से घायल हुआ है। आईडीएफ के मुताबिक हिजबुल्ला ने गलीली पेनहंडेल और उत्तरी गोलन हाइट्स पर कई आत्मघाती ड्रोन से हमला किया, और वहीं मैरोन गोलन इलाके में एक विस्फोटक से लदा ड्रोन आ गिरा, जिसमें 18 जवान जख्मी हो गए। आपको बता दें कि बीते दिनों में हिजबुल्ला ने विस्फोटक से लदे ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं, और इससे पहले हिजबुल्ला ज्यादातर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल और रॉकेट्स के जत्थों से हमला कर रहा था।